मेरा नाम प्रकाश सूर्यवंशी है। मैंने मेरा एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास कोर्स में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है। मैं नासिक से आया हूँ महाराष्ट्र। गुरुजी से पहली बार मैं यूट्यूब से ही पहचान हुई गुरुजी से, और गुरुजी ने जब जो पहली बात की वो सत्य की बात की, जो मैं दिल को छू गई, सत्य को जानने दिल में ऐसी उमंग से पैदा हो गई कि सत्य क्या है आखिर। फिर गुरुजी के यूट्यूब पे दो थोड़ी मतलब सेशन ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, से थोड़ा बहुत शरीर में कुछ स्पंदन सा महसूस हुआ। फिर एक दिल में एक बेचैनी सी बनी रहती थी, उदासी बनती थी कि कब संयोग गुरुजी से मैं से और सबसे मैसेज आया थी कि ऑफलाइन सेशन होने वाला है जोरहाट में। तुरंत मैंने फ्लाइट बुकिंग कर दी और मैं उसी उम्मीद से रखी कब ये सेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे सेशन ज्वाइन किया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने पहले हमने फर्क लिया सवाल जवाब से कि क्या है, कि क्या पढ़ के आए, क्या ज्ञान है और क्या पाना चाहते हैं, सत्य के बारे में इनकी है क्या कोई कुछ सिद्धि विद्धि के चक्कर पे तो नहीं, कुछ जो आजकल में जो दिल में लोगों के अलग से रहते हैं इनलाइटेनमेंट, ऐसे कुछ चीज़ें रहती है जो फैंटेसी के तरफ से समझते हैं लोग। फिर जैसे गुरुजी ने दीक्षापात का की, तो पूरे शरीर में ऐसी स्पंदन से महसूस हुई, पूरा शरीर हिल गया, सर तो बहुत हिल रहा था, पता नहीं अभी भी इनके शरीर में इतनी एनर्जी है, इनकी शक्ति जागृत हुई है परसों कुंडलिनी और सारे जो भी चेतना नीचे से ऊपर आई है और सहस्रार वगैरह भी इनका पूरे ऊपर आ गए, तो ये भी बहुत शांत हो चुके हैं। तो आज हम इनको तो कुछ कहने के लिए कहा, थोड़ा सा ये बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं आज भी कप रहा है ना, स्पंदन है। ये महाराष्ट्र से है, आप नासिक से? नासिक से। तो अभी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं? अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर आकर, हमारे पास में आकर? मैं तो सिंपल साधारण आदमी, बस सिंपल साधारण एक शिक्षक हूँ, अभी क्लास भी लेता हूँ और जिसके साथ जो जुड़ना होता है उसे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आकर जोरहाट आसाम में क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ अध्यात्म में? जो मुमुक्ष जन है ब्रह्म को जानना चाहते हैं, सत्य की खोज में, जो बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध ने कहा कि अंतिम सत्य है जो बाहर में क्या है, वो सिर्फ आपको यहाँ गुरु के द्वारा मिल सकता है। गुरु सत्य की बात करते हैं, सत्य के अलावा कोई बात नहीं यहाँ होती है। सत्य जो अंतिम सत्य है, सत्य यहाँ पे मिट के जाके सत्य भी, सत्य में मिटना होकर भी सत्य ही रहता है, जो अंतिम सत्य वही है, वही ब्रह्म कहलाता है, वही निराकार स्वरूप है, वही शिवा है। awesome.